नमस्ते जी, कैसे आप सभी लोग? वेलकम चले। अच्छा, आज की सुबह की शुरुआत हो रही है, कहाँ से हो रही है? बाल कटवाने जाने से, क्योंकि कल तो हमारा अपॉइंटमेंट हो गया था। शाम को हम गए नहीं। हाँ, शाम को आ नहीं पाए, अभी जा रहे हैं। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं कि आज पार्लर खुला है या नहीं है। खुला हो, फ्रेंड्स फिंगर्स क्रॉस। और हम यहाँ पे सलून पहुँच गए हैं, तो भैया ने मुझसे पूछा कि कितने कटिंग करनी है, कितने बाल काटने हैं। तो मैंने बोला इतने काटना भैया कि पोनी बन जाए स्कूल में, नहीं तो वो निकलते हैं जगह जगह से, तो मैम डांटती है, फिर वो बन चुटिया बनाने में भी दिक्कत होती है। वैसे तो अर्धिका इतना रोती है बाल बनाने के लिए, और वहाँ पर भैया उसके बाल ऐसे खींच रहे थे, उसको दर्द हो रहा होगा, पर उसके बाल लास्ट में कटे गए हैं। तो यहाँ पर अर्धिका बना रही है अपनी वीडियो, तो मैंने सोचा जब मैं आई रखी हूँ अर्धिका के साथ, तो मैं भी अपने बालों की कटिंग करवा लेती हूँ। बहुत ही लंबे हो गए थे, पीछे से पूंछ जैसे निकल गई थी उनकी, तो मैंने भी थोड़ा हल्का हल्का कटिंग करवाई नीचे नीचे से बालों की, ताकि वो हल्के हल्के ट्रिम हो जाएं। तो यहाँ पे चल रही है मेरी कटिंग, और मेरी कटिंग होते ही हम आ गए घर वापस। किसने कहा प्यारी लग रही हूँ? जबरदस्ती मम्मी ने भी कटवा लिया, पर मम्मी के कटवाने का कुछ फायदा नहीं हुआ। भैया आपने जब शॉल डाला तो क्यों कटवाए? धूप हो रही है भाई। धूप हो रही है तो कटवाने का तो कुछ फायदा भी नहीं रहा मम्मी का। मम्मी का फायदा क्या है? सड़क में किसे दिखाने, कौन चल रहे हैं? अब मेरे बाल इतने मस्त लहरा रहे हैं ना, अभी तो हवा नहीं चल रही, पर अभी थोड़ी देर पहले जब हम शूट नहीं कर रहे थे तब हवा चल रही थी, तो मस्त लग रहे थे ना। बस चलो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं घर। सबसे पहले हम अपने पाँव धोएंगे, बिकॉज गंदगी होती है पाँव में। अब करेंगे हम दिन के लंच की तैयारी। आज हम बना रहे हैं कापली, पालक की कापली। उबाल के गई थी मैं, अब बनाऊंगी उसको। तो मैं अभी इस पर अपनी किताबें रख दे। घर आया है तो हम तो अम्मू की बुआ ने अम्मू के लिए बैग ऑर्डर किया था, बहुत ही सुंदर बैग है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका साइज छोटा है। हाँ, प्रैंक को। अम्मू इसमें बुक्स रख के देख रही है, तो देखते हैं हम कैसा लग के देखो। मुझे नहीं लगता बुक्स है। तो बुक्स तो इसमें अर्धिका की आ रही है गाइस, और पीछे से अर्धिका मुझे परेशान कर रहा है फोन के लिए। दिखने में छोटा है ये बैग, पर किताबें इसमें सारी आ रही हैं। ऐसा कैसे? यहाँ पे कॉपीज आएंगे, यहाँ पे टिफिन आएगा, किताबें इसमें, और यहाँ पे आएगा टिफिन। हाँ, टिफिन यहाँ पे आ जाएगा बस। और एक चीज, इतना प्यारा सा छिटका सा प्यारा सा, इतने सारी किताबें छोटी नहीं ले जाएगी ये? मुझे लगा इतना बड़ा है यू वाला ऑर्डर करते हैं वो। बुक्स भी अभी टाइम टेबल मिलेंगे ना इनको, और यहाँ पे आना है। इसके अंदर मैं क्या रखूंगी? इसके अंदर कुछ नहीं रखना, वो घर में कभी कन्या जी माई में जाएगी तब ले जाना। तो इसको ये हटा भी सकते हैं? हाँ, ये देखना मुझे कितना परेशान कर रहा। बुआ को थैंक यू तो बोल दे। सो थैंक यू इतनी बुआ, लॉट्स ऑफ लव। यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए, इतना प्यारा चड्डी अटैच आपको मिलाकर मेरे पास हो गए तीन बैग। तो आज हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर थोड़ा दूर है, पर हम पैदल जा रहे हैं ताकि वॉक भी हो जाए। यहाँ पे बच्चे साइकिल चढ़ा रहे हैं अभी रोड पे। तो ये देखिए, दूर से ही दिखाई देने वाला है मंदिर, और हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो ये है मंदिर। तो देखिए यहाँ पे लोग, कितने लोग आ रखे हैं मंदिर में। तो यहाँ मिल रहा है बूंदी का प्रसाद, हनुमान जी का बूंदी का प्रसाद होता है, तो मैंने भी यहाँ पे प्रसाद लिया, और तब फिर हम ऊपर चले गए थे, मेरे साथ शिवानी भी थी।
तो यहाँ पे हमने चप्पल बाहर ही उतार दी थी। और ये देखिए, ये है हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ पे थोड़ा पूजा वूजा करने के बाद मैंने प्रसाद दिया अंदर, पंडित जी ने प्रसाद मुझे दे दिया था। तो यहाँ पर आ गए हैं हम दोनों घर जाने के लिए वापस। और घर जाते ही रास्ते में मंडी भी पड़ती है, तो मैंने वहाँ से लिया कटहल, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी कई दिनों से नहीं खाई थी, तो मैंने कहा कटहल ले लेते हैं। तो ये है हमारी मंडी, यहीं से हम सब्ज़ी लेते हैं। गाइस हम आ गए हैं, तो हम आ गए हैं घर मंडी से, मंदिर से, सब जगह से होते हुए अब हम देंगे प्रसाद। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।